दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा मंदिर पर भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। सीएमसीटी में सपा मुखिया ने भरी हुंकार, कहा साइकिल का बटन दबाना है, मेयर पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों को जिताना है। क्षेत्रीय कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुने पीएम मोदी के मन की बात। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में नव मतदाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। भीषण गर्मी, तपिश व लू के बीच मौसम हुआ सुहाना, रुक रुक कर होती रही बारिश। डीडीयू द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। वार्ड नंबर 67 सरदार भगत सिंह नगर से निर्दल प्रत्याशी राज बहादुर सिंह उर्फ बंटी सिंह सघन जनसंपर्क कर अपने समर्थन में मांगा वोट। और आगामी 1 मई को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर महापौर व पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में निकलेगा विशाल मोटरसाइकिल जुलूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां अध्याय रविवार को जनपद के समस्त प्रमुख स्थानों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा एलईडी प्रोजेक्ट के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ सुना गया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर द्वारा धर्मशाला स्थित विश्वकर्मा मंदिर में प्रधानमंत्री के मन की बात को वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ सुना गया। इस मौके पर भाजपा चुनाव प्रभारी चिरंजीव चौरसिया, भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा, सचिन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी।
सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने बताया, चिरंजीव जी के नेतृत्व में चिरंजीव चौरसिया जी हैं, हमारे गोरखपुर नगर निगम के प्रभारी हैं, पूर्व में क्षेत्र के महामंत्री थे, उनके नेतृत्व में हम लोग अभी मन की बात सुने हैं युवा मोर्चा और के साथियों के साथ। क्या मंत्र दिया जी? क्या मंत्र मिला आपको? देखिए, मंत्र युवाओं के लिए भी हर विषयों पे आदरणीय मोदी जी बोले और ये लगातार आज उनका 100वां एपिसोड था तो आज एक हर्ष का विषय भी था कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ने आज 100वां एपिसोड पूरा किया है। रविवार को गोरखपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपा जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद नंदानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए उनकी जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने प्रत्याशियों से समाजवादी सरकार द्वारा किए गए कार्य को लेकर जनता के बीच जाने की बात भी कही। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, मेयर पद प्रत्याशी काजल निषाद, महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, बिंदा देवी, श्याम यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मौसम जरूर बदला है और बदलता हुआ मौसम आगाज दे रहा है। इस बार गोरखपुर की जनता ने भी बदलाव का मन बनाया है। ये चुनाव तब होने जा रहा है, आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार, लखनऊ में भी सरकार और गोरखपुर जैसे शहर में सड़क पर गाड़ी बरसात में नहीं चलती है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए, बरसात ज्यादा हो जाए तो सड़क पर गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ पर नाव से हमें और आपको जाना पड़ेगा। यहाँ कभी कभी देखने को मिलता है कि सड़क नीची है कि नाली ऊपर है, पानी कहाँ से निकलेगा। और एक ऐसी सरकार जिसने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में और इस कार्यकाल में जो शुरुआत हो गई है, जो नाली ना बना पाई हो, नाला ना बना पाई हो, पानी का निकास का इंतजाम ना कर पाई हो, वो पार्टी कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो उसके पक्ष में मतदान होगा। उनकी पढ़ाई तो पूरे देश ने और दुनिया ने जान ली। लोकसभा में कहा अगर कहीं एक भी यूनिट बिजली बनाई हो तो हमें बताएं, और बिजली बनाना तो दूर, जो बिजली कारखाने का नाम है वो आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं कह पाए। अगर उन्होंने कभी ये कहा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का रविवार को 100वां एपिसोड था। इस निमित्त पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर व्यापक तैयारी रही और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना।
कार्यक्रम की समाप्ति के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। मन की बात कार्यक्रम में देश में एक सकारात्मक माहौल पैदा किया है। जिला महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, सत्येंद्र मिश्र, डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्रा, श्रवण कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आई एम हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू इन द 100th मन की बात प्रोग्राम। आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट यू हैव रेज्ड द इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। भाजपा महानगर युवा मोर्चा के तत्वावधान में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में 2,89,000 नए मतदाता बनाए गए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफी दिनों से यहाँ पे 1995 में राजेंद्र शर्मा जी के साथ हम लोग पार्षद रहे, बाद में मैं डिप्टी मेयर रहा, लेकिन उसके पहले भी जो पवन बदवाल की टीम बनी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के कारण ही नगर निगम में मेयर बने थे। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन नहीं करती तो वो नहीं बन सकते थे, और उन्होंने भी ईमानदारी से उस बोर्ड को भारतीय पुनः अब जब चुनाव हो रहा है तो एक बहुत ही शिक्षित जो अभी इसके पहले के जो मेयर थे हो रहा है मुझे महाराज जी के निर्देशन में कि उच्च मुझे महाराज जी के इनके मतदान की इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा महानगर चुनाव प्रभारी व पूर्व पार्षद चिरंजीव चौरसिया ने बताया, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा
जो गोरखपुर नगर निगम चुनाव के लिए 2,89,000 नए मतदाता बनाए गए हैं, आज उनके मतदान के प्रति उनको प्रेरित करने के लिए आज के ये नव मतदाता सम्मेलन हमने किया है और उनको प्रेरित किया है कि वे आगामी 4 तारीख को जो मतदान होना है उसमें बड़ी संख्या में वो जाकर पहले मतदान करें, बाद में आके जलपान करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये आज युवा मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें जो है बड़ी संख्या में हमारे नए मतदाता आए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भीषण गर्मी, तपिश व लू के बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को बादल छाए रहे और रुक रुक कर बूंदाबांदी भी होती रही, जिससे मौसम बेहद सुहाना हो गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक मौसम सुहाना बना रहेगा और रुक रुक कर बारिश भी होती रहेगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन संवाद भवन सभागार में किया गया। सम्मेलन के दूसरे दिन 4 सत्रों में स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्रों द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व एलुमिनाई प्रोफेसर सील नारायण चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में पुरातन छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम चाहिए पांचवा अनुनाय सहित सभी
संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शिव वरण पाठक ने बताया, राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके तत्वावधान में आज दूसरे दिन चार सत्रों में विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र जो अंतर्राष्ट्रीय हैं और जो स्थानीय हैं या जो पूरे देश में कहीं फैले हुए हैं उनके साथ मिलकर के चार सत्रों में चार थीम्स के ऊपर विमर्श हो रहा है। ये विमर्श 11:30 बजे से प्रारंभ हुआ है जो कि 7:30 बजे तक चलेगा और हमें उम्मीद है कि इन सभी सत्रों में हुए विमर्श से हमें अपने पुरातन छात्र परिषद को विश्वविद्यालय के हित में किस प्रकार से और स्ट्रांग करके विश्वविद्यालय के हित में उसे कार्य करवाया जा सके लिया जा सके वो विश्वविद्यालय को नई दिशा दे सके इस पर हम कुछ नवीन बातों को जानने में सफल होंगे। ये सारी संकल्पना हमारे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी के दूरदर्शिता का परिणाम है जिसके वजह से आज इसको हम वर्तमान में परिणत होता हुआ देख रहे हैं। उनका जो ऐसा मानना था और पूरे विश्व में भी ऐसा होता है कि जो भी बड़े 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 प्रतिष्ठान हैं वो उनके एलुमनाई के द्वारा ही आगे चल करके उनको स्थिरता प्राप्त होती है। मोहद्दीपुर से वार्ड संख्या 67 सरदार भगत सिंह नगर के निर्दल पार्षद पद के प्रत्याशी राज बहादुर सिंह उर्फ बंटी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सघन जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने वार्ड की समस्याओं के निराकरण व आम जन के भरपूर सहयोग का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अभी तक का उनका वार्ड मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है, यदि उन्हें जनता चुनती है तो वह सभी मूलभूत सुविधाओं को अपने वार्ड में लाकर इसका लाभ जनता को देने का कार्य करेंगे। राज बहादुर जिंदाबाद, 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 राज बहादुर जिंदाबाद, 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 अनाज किसान के, कौन निशान अनाज उठाता हुआ किसान, हर भाइयों का कौन निशान अनाज उठाता हुआ किसान, हर बहनों का कौन निशान अनाज उठाता हुआ किसान, हम सब भाइयों का कौन निशान अनाज उठाता हुआ किसान, हम सब भाइयों का कौन निशान। जी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा गंदगी का है, जल निकासी का है। हमारे वर्तमान पार्षद जी लगभग 10 वर्षों से यहाँ पार्षद हैं लेकिन यहाँ आप नाली सड़क और की सारी स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ कहीं भी साफ सफाई की व्यवस्था एकदम नहीं मान के चलिए, लगभग हर नाली चौक है आपके सामने सब दिख रहा है, न हो तो आप कैमरा उधर करिए आपको दिखाई दे जाएगा कि नालियों की क्या स्थिति है। और बताइए हमारे पार्षद जी पिछले 10 वर्षों से लगातार पार्षद पद पे बने हुए हैं लेकिन पूरे वार्ड की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है, बल्कि हम लोग तो अभी नई युवा पीढ़ी है, नई सोच है, अगर हम लोग पार्षद पद पे चुने जाते हैं तो यही है प्रयास है कि ये सारी सबसे पहले तो जो हमारी मूलभूत आवश्यकता जो ये नाली जो चोक सिस्टम है पहले इसको साफ़ किया जाएगा, वार्ड को सुंदर किया जाएगा, बहुत सारी नई सोचें हैं जैसे ओपन जिम, कुछ नया जैसे स्कूलों में कुछ नई क्रिएटिव चीज़ जैसे बच्चे ज़्यादा सीख सकें। जो हमारा वार्ड विगत 10 वर्षों से जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे रुका हुआ है, भाई पार्षद हैं कुछ नई सोच कुछ नई व्यवस्था उनको लानी चाहिए लेकिन वो पुराने ढर्रे पे पड़े हुए हैं, आज भी वार्ड की स्थिति जस की तस 10 साल पहले वाली बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में आगामी 1 मई को भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व 80 वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकाली जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनीष जैन ने बताया, इसी नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि कल दिनांक 1 मई को 1000 बाइक की रैली दिन में 2 बजे हम लोग छात्र संघ चौराहे से टाउन हॉल गांधी प्रतिमा तक के लिए यह रैली संपन्न करेंगे तथा इससे यह संदेश देंगे कि हमारे गोरखपुर के देवतुल्य नगरवासी दिनांक 4 मई को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर के भारी संख्या में मतदान करेंगे तथा कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे महापौर पद के प्रत्याशी श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी को तथा 80 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएंगे तथा हमारे परम पूज्य महाराज जी की जो हार्दिक इच्छा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बने इसको बनवाने में पूरा सहयोग करेंगे और
हमारा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह माताओं बहनों तथा भाइयों को तथा ये हमारे जो नवयुवक मतदाता आपकी बार बने हैं जो पहली बार जीवन का मतदान करेंगे उनसे भी हमारी यही प्रार्थना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद 80 वार्डों के पार्षद पद प्रत्याशियों को तथा महापौर पद के प्रत्याशी श्री मंगेश श्रीवास्तव जी को बहुत अधिक से अधिक संख्या में मतदान दे करके उनको विजयी बनाएंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करने से मालूम हुआ कि हमारे नवयुवकों में बहुत जोश है और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र मनु जायसवाल जी जो विजय चौक से पार्षद पद प्रत्याशी के लिए खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से तथा शेखपुर से अवधेश अग्रहरी जी पार्षद पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से नियुक्त हुए हैं तथा हमारे सचिन गुप्ता जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यकर्ता युवा मीडिया के प्रभारी थे वो भी पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं उनको भी भारी मतों से मतदान दे करके विजयी बनाने की कृपा करेंगे। और हमारे महाराज जी की हार्दिक जो इच्छा है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में उसका उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा मंदिर पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। सीएमसीटी में सपा मुखिया ने भरी हुंकार, कहा साइकिल का बटन दबाना है, मेयर पार्षद व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों को जिताना है। क्षेत्रीय कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुने पीएम मोदी के मन की बात। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में 9 मतदाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। भीषण गर्मी, तपिश व लू के बीच मौसम हुआ सुहाना, रुक रुक कर होती रही बारिश। डीडीयू द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। वार्ड नंबर 67 सरदार भगत सिंह नगर से निर्दल प्रत्याशी राज बहादुर सिंह उर्फ बंटी सिंह सघन जनसंपर्क कर अपने समर्थन में मांगा वोट। और आगामी 1 मई को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर महापौर व पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में निकलेगा विशाल मोटरसाइकिल जुलूस। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।